हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट टेक में आपका स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको रिसेंटली लॉन्च हुए मोटो जेड टू फोर्स के बारे में बताएंगे। तो इस स्मार्टफोन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, मोटोरोला इंडिया ने अपना नया स्मार्टफोन मोटो जेड टू फोर्स इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये कंपनी के पुराने मोटो जेड फोर्स स्मार्टफोन का अपग्रेड है। मोटो जेड टू फोर्स को पिछले साल इंटरनेशनल मार्केट में जुलाई में लॉन्च किया गया था और इस स्मार्टफोन को इंडिया में एज अ लिमिटेड एडिशन हैंडसेट के तौर पे उतारा गया है। इस स्मार्टफोन में कुछ स्पेशल फीचर्स भी है, जैसे इसमें शैटर प्रूफ डिस्प्ले है और स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर भी है। मोटो Z2 Force इंडिया में अराउंड 34,999 रुपीज में मिलेगा। इस प्राइस रेंज में मोटो Z2 Force की टक्कर OnePlus 5T, Xiaomi Mi Mix 2 और Nokia 8 जैसे स्मार्टफोन से होगी। अब बात करते हैं मोटो Z2 Force के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस स्मार्टफोन की बॉडी 7000 सीरीज के एल्यूमिनियम से बनी है और हैंडसेट पे जेल निरोधक नैनो कोटिंग की गई है। इस स्मार्टफोन में 5.5 इंच का QHD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि शैटर प्रूफ है और जिसका रेजोल्यूशन 1440x2560 पिक्सल है। इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon का 835 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि आज के टाइम में बहुत ही फास्ट है, और उसी के साथ इसमें 6GB रैम भी दिया गया है। कैमरे की बात करें तो इसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है 12+12 मेगापिक्सल का। दोनों कैमरे F2.0 अपर्चर, PDAF, लेजर ऑटो फोकस और CCT डुअल LED फ्लैश से लैस है, और इसी के साथ फ्रंट में एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया गया है, जो F2.2 अपर्चर, 85 डिग्री वाइड एंगल लेंस और LED फ्लैश के साथ आता है। मोटो Z2 Force 64GB स्टोरेज वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा। दोनों ही वेरिएंट में स्टोरेज को microSD कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। इस हैंडसेट में 2730mAh की बैटरी दी गई है और इसके साथ 15W का टर्बो पावर चार्जर भी आता है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 7.1 नोगट पे चलेगा और इसका वेट सिर्फ 143 ग्राम्स है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड मोटो Z2 Force के बारे में। और ऐसे टेक न्यूज और रिव्यूज जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।